वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वार्ड 43 बापूनगर खुर्सीपार पहुंचे। यहां माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रतिदिन अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानकर उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को विधायक वार्ड 43 बापूनगर पहुंचे। यहां स्थित कैलाश धाम मंदिर में माता की पूजा अर्चना की। वार्ड के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए विधायक देवेंद्र यादव का सम्मान किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विधायक देवेंद्र यादव ने गौरा गौरी चौक में लोगों से कुशलक्षेम पूछा और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। महिला स्वरोजगार को लेकर विधायक ने महिलाओं से चर्चा की और उन्हें सिलाई मशीन देने आश्वस्त किया। हम लोग भी निरंतर उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भिलाई की भलाई कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर भर में हम लोग गए हैं। हम लोगों ने भिलाई के गोट के माध्यम से पूरे शहर भर में लोगों के बीच में आए हैं। सुप्रभात भिलाई के माध्यम से आए हैं। अब भेंट मुलाकात मुख्यतः विषय ये है कि जब हम काम करने जाते हैं तो बहुत सारे काम हम लोग बहुत अच्छे मन से करते हैं और हमें लगता भी है कि वो काम वैसे ही ज़मीन पे हो गया होगा, लेकिन जब हम ज़मीन पे आते हैं तो हमको बहुत सारी नई बातें जानने मिलती है और एक संवाद स्थापित होता है लोगों से। जो हमारी कमियां है वो भी पता चलती है और जो जिस योजना का लाभ जनता को अच्छा मिल रहा है वो भी पता चलता है। इसलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है और इसी के लिए ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया जा रहा है मोहल्ले मोहल्ले में, और भिलाई के हर मोहल्ले में हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा टोटल फोकस अभी ये है कि हम हमारा जो यूथ है हम उसको ट्रेंड करने पे ध्यान दें, हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा अच्छे से हो जाए, और दूसरा हमारी जो महिलाएं हैं वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। जैसे हमने मदर्स मार्केट की स्थापना की, उसमें बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन वो शुरुआती दौर पे है, उसका विस्तार करना है। वार्ड वार्ड स्तर पर महिला समूहों को मजबूत करना है। उन लोग महिला समूह तो बन जाती है लेकिन महिला समूह के पास अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन नहीं रहती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं रहता। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम उनको सिलाई जो करना चाहते हैं उनको सिलाई मशीन दे दें, अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो अगरबत्ती की मशीन उस जगह पर स्थापित कर दें। हर वार्ड में एक महिलाओं के लिए ये काम कर दें और एक ट्रेनिंग सेंटर कर दें ताकि महिलाएँ वहाँ जाएँ, सीखें, अपना काम करें और अपने अपने जो परिवार की मासिक आय है उसमें योगदान, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएं वो। ये हमारी इच्छा है और इसको लेकर हम पूरे कुर्सी पार में मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में हम लोग कुर्सी पार के हर वार्ड। बहरहाल, विधायक देवेंद्र यादव का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू होने के उपरांत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। समस्याओं के निराकरण के लिए हर वार्डों में शिविर लगाए जाने की बातें विधायक देवेंद्र यादव ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।